Parikrama, and we have the wonderful Narendra Kohli in conversation with Anna Vijay, and presented by Patrika Game Changer Series. Now, before we begin this session, we actually are going to launch a new book from Narendra, and we are going to do a opening of this new book. So, gentlemen, are we ready to launch the book? And may we hold up to the audience? Congratulations. Thank you. चलो भाई शुरू करें। आज मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ नरेंद्र कोहली जी स्वयं मौजूद हैं और इनकी रचनात्मकता का काल लगभग 5 दशकों का है। तो नरेंद्र कोहली जी, आपने व्यंग लेखन से अपनी शुरुआत की, वो दौर आपके लिए पारिवारिक रूप से गहरे अवसाद का दौर था। आप अस्पताल से लौटे थे, आपके जुड़वां बच्चों में से एक की मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे में व्यंग की ओर जब व्यक्ति गहरे अवसाद में डूबा होता है, तो व्यंग की ओर जाना ये कैसे हुआ? आपका कहना सही है कि अवसाद में डूबा हुआ व्यक्ति व्यंग की ओर कैसे जाता है। जब आपका नहीं, मेरा बच्चा बीमार हो, अस्पताल में डॉक्टर उसकी तरफ ध्यान न दे रहे हो, अस्पताल में प्रधानमंत्री आ जाए और आप अंदर घुस ना सकते हो और आपका बच्चा मरने वाला हो, तो उस समय जो मन में कड़वाहट है, जो आक्रोश है, जो कटाक्ष है, वो सिवाय व्यंग के और अस्पताल के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो कुछ भी है कटुता, वो व्यंग में ही आएगी। इसलिए वो 5 एपिसोड उपन्यास में द अस्पताल लिखा गया। वो आपको बता दूं, दिल्ली में मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके विषय में। तो आप पहले आपने व्यंग से शुरुआत की, फिर आप आलोचना पर गए, फिर आप उपन्यास की तरफ गए। यह जो आपकी विकास यात्रा है लेखन में, और उसके बाद आप मिथक की ओर जाते हैं, मिथक पर बाद में आते हैं, क्योंकि मिथक के तो मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी को छोड़कर भी आप उसके जनक हैं। आपके पहले शायद ही किसी ने मिथकों को लेकर इतना बड़ा साहित्यिक वितान रचा, जिस मतलब लगभग कोहली साहब की 100 किताबें मिथकों को लेकर ही आ चुकी हैं। और ये हमारी हिंदी की ताकत है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद, आलोचकों का ध्यान न जाने के बावजूद, इन सवालों पर आपसे बाद में आते हैं। पर आपके लेखन में क्या आपकी पैतृक विरासत का भी कोई योगदान है? आप, मैंने कहीं उल्लेख पढ़ा था कि आपके पिताजी भी लेखक थे और उन्होंने उर्दू और उसमें कुछ रचनाएं की थी, और फिर उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल कर लो नरेंद्र, तो आपने उसमें से कुछ 25-30 पन्नों का इस्तेमाल करके पुनरारंभ नाम से एक उपन्यास लिखा। तो क्या उपन्यास के पीछे पिता की प्रेरणा थी, या आप कैसे लिखने की ओर कैसे गए? मेरे पिता लेखक बनना चाहते थे, वो लेखक थे ऐसा मैं नहीं कहता, लेखक बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आंखों में एक ऐसा रोग जिसको कुकरे कहते हैं पंजाबी में, वो हो गया, जिसकी वजह से वो पढ़ना लिखना उनका काफ़ी मुश्किल हो गया। जब मैं लेखक बन चुका था, तब उनको लगा कि उनकी जो भी लिखी हुई कुछ सामग्री उनके पास है, उर्दू जानते थे वो, उर्दू और अंग्रेज़ी, हिंदी वो जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने कोशिश की कि वो मैं उसका उपयोग करूं। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि वो उनकी पुस्तक उनके नाम से उन्हीं की तरह से छपे, लेकिन वो इतनी पुरानी हो चुकी थी, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने 5 दशक बताया, मैं उसको आधी शताब्दी कहता हूँ। 50 साल से मैं लिख रहा हूँ, 50 से ज़्यादा, लिखते हुए तो 60 साल हो गए,
तो उनकी भी रचना इतनी पुरानी थी कि उर्दू में वो चल नहीं सकती थी, इसलिए थोड़ा सा उसका उपयोग मैंने किया, पूरा तो नहीं कर पाया। आपने, अब हम मिथकों की तरफ आते हैं, आपने एक बार कहीं किसी साक्षात्कार में कहा कि बच्चे की बीमारी के दौरान आप रामचरितमानस का पाठ आपके घर में होता था, और आप जब शरणम उपन्यास में गीता की बात करते हैं तब भी आप कहते हैं कि मैं पढ़ा के समझाना, सुन के समझना जितना आसान है उतना पढ़ के समझना नहीं है। तो जब आप रामचरितमानस के पात्रों को लेकर उपन्यास रचते हैं तो क्या कहीं अवचेतन मन में आपके वो पाठ था जो 67-68 के दौरान आप दिसंबर के महीने में अपने घर में किया करते थे? देखिए, बच्चा जब बीमार होता है, जिनके बच्चे बीमार हुए हैं उनको पता है कि आप होम्योपैथ के पास भी जाते हैं, एलोपैथ के पास भी जाते हैं, वैद्य के पास भी जाते हैं, हकीम के पास भी जाते हैं, मंदिर में जाके भी माथा टेकते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसी समय किसी ने मुझे कहा रामचरितमानस पढ़ो, तो मैंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया। रोज़ सवेरे उसका थोड़ा सा पाठ करता था, लेकिन इस तरह से पढ़ने में एक बात जो साफ आती है वो ये है कि आप केवल पढ़ते चले जाते हैं, समझते नहीं। अखंड पाठ जो होता है, पढ़ते चले जाते हैं, आपको लगता है कि मैं कोई बड़ा पवित्र काम कर रहा हूँ, समझते नहीं। इसलिए जैसे जैसे बच्चा ठीक होता गया और जैसे जैसे मेरा ध्यान इस पर गया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है, उसमें मेरी आपत्तियाँ जागी। देखिए, मेरे अंदर है उपन्यासकार, और काव्य और उपन्यास में सबसे बड़ा तर्क यही है, अर्थ दोनों में फर्क ये है कि काव्य में तर्क हो या ना हो, ऐसा मैं मानता हूँ तर्क होना चाहिए, लेकिन उपन्यास का तो कथानक की तर्क पर है। तो मुझे उसमें कुछ कमियाँ भी नज़र आई, कुछ मेरे प्रश्न उठे, कुछ मेरी आपत्तियाँ थीं, उनके उत्तर खोजते खोजते मैं रामकथा लिखने बैठ गया और मैंने रामकथा लिखी। मेरे पिता ने मुझको कहा रामकथा मत लिखो, राम परम ब्रह्म है और तुम साधारण आदमी हो, तुम लिखोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे उनके चरित्र में, तो दुनिया में इतनी चीज़ें और लिखने की हैं, तुम क्यों नहीं लिखते हो। लेकिन आपको मालूम है कि राम तो पिता की आज्ञा मान के वनवास करने चले गए थे, मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मान पाया उसी राम की कथा लिखने के लिए। मैंने वो कथा लिखी और पहला खंड लिखा था दीक्षा, जब मेरे माता पिता दोनों मेरे पास दिल्ली आए, वो जमशेदपुर में थे। पिता मेरे को हिंदी जानते नहीं थे, माँ मेरी निरक्षर थी। मैंने उन दोनों को बैठा करके दीक्षा सुनाई। उन्होंने दीक्षा सुनने के बाद ये कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो एक तरह का मेरे लिए सर्टिफिकेट था कि एक परंपरागत रूढ़िगत हिंदू सनातनी परिवार में पला हुआ, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं लिखता चला गया। और जितनी भी आपत्तियां थी, अब लोग जो मेरे पाठक हैं वो बार बार यही कहते हैं कि हमको ये नहीं पसंद था, हमको वो नहीं पसंद था, इसमें पढ़ करके हमको अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिला, अपनी आपत्तियों का सिद्धांत मिला। तो वो उपन्यास है, मैं उसको उपन्यास कहता हूँ। उपन्यास है तो आप किसी भी तर्क पर उसकी बात कर सकते हैं, मैंने वही किया है उसमें। डॉक्टर कोहली, आप पानी पी लें। फिर एक और सवाल मेरा आपसे है कि आपने मिथकों पर बहुत लिखा, जैसा आपने बताया अभी कि पिता की आज्ञा का अनादर करते हुए, और मिथकों की जो सृजन प्रक्रिया होती है मेरे लिहाज से उसकी जो गुत्थी होती है उसको सुलझाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके दिमाग में समाज भी होता है, समाज में प्रचलित लोक मुहावरे, लोकोक्तियां, भक्ति या उस चरित्र को लेकर एक खास किस्म का लगाव भी समाज में देखने। कभी सृजन प्रक्रिया की इन गुत्थियों को सुलझाने में आपको डर नहीं लगा कि क्या असर समाज पे पड़ेगा, जिस तरह से आप किसी पौराणिक कथा को या राम कथा को ही आप कह रहे हैं, क्या कभी आपको डर लगा? मुझे लगता है कि जितना मेरे पाठक को राम से प्यार है उतना ही मुझे।
मेरा उनके साथ जो तादाद में होता गया, गुत्थियाँ तो थीं, गुत्थियों में तो कोई संदेह नहीं है कि देखिए कहा जाता है कि राम पिता की आज्ञा पर वन गए। आप मूल रामायण पढ़ते हैं, मूल रामायण से मेरा मतलब है वाल्मीकि रामायण। हमारे जनता ने सामान्यतः तुलसी रामचरितमानस पढ़ा है, इसलिए वो कुछ और ढंग से सोचते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस समय राम गए हैं पिता के पास, पिता पड़े हैं जमीन पर, कह के ही खड़ी है, राम पूछते हैं पिताजी क्या हुआ, पिता कुछ नहीं कहते। फिर वो माँ से पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, माँ कहती है मैंने ये दो वर मांगे, उससे अधिक वो भी कुछ नहीं कहती। फिर वो जाते हैं कौशल्या के पास, कौशल्या कहती है अगर पिता ने आज्ञा दी है वन जाने की तो मत जाओ, माँ पिता से बड़ी होती है, मैं कह रही हूँ को मत जाओ। लेकिन तब राम कहते हैं, ये तो रामचरित मानस में नहीं, ये वाल्मीकि में है कि राम का एक वाक्य है कि बन जाने में ही मेरा अभ्युदय है। मैं राम, जो राम बने अभ्युदय है वो, अगर अयोध्या के राजा बन के रहते, एक आदर्श राजा बन के रहते, लेकिन प्रजा राजा तक ना आए, राजा प्रजा तक जाए, इससे बड़ा आदर्श नहीं हो सकता। और बाकी और बातें ये पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से ऋषियों के संपर्क में रहते हुए प्रजा के हित में, उसको तुलसी ने देवताओं का काम कहा है, और मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में वो ऋषियों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है। इसलिए अगर मैं वो लिखता हूँ, लोग मुझसे कोई पूछता भी है, कोई आपत्ति करता है कि ये कैसे है, मैं कहता हूँ वाल्मीकि पढ़ो, मतलब मुझे कुछ भी कहने के पहले आप वाल्मीकि और तुलसी से निपट लीजिए, फिर उसके बाद मेरे पास आइएगा। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इतने वर्षों में, 1975 में पहला खंड छपा था, इतने वर्षों में एक पोस्ट कार्ड आया था जिसमें था कि आपने हिंदू के देवियों देवताओं का अपमान किया है। मैंने उसको उत्तर दिया, उसके बाद उसका उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना हो गई। किसी ने मेरा सिर नहीं फोड़ा, किसी ने मुझे गालियां नहीं दी, कहीं जेल जाने, मुकदमा करने, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। इससे एक बात मेरी समझ में आती है कि लोगों के मन में सहिष्णुता है, वो उसको सहन कर सकते हैं, एक दूसरे ढंग से भी मान सकते हैं। जो मेरे पिता ने कहा कि राम की अवमानना नहीं हुई इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे पाठकों की भी यही राय है। तो नरेंद्र कोहली को पाठक क्यों पढ़े, जब वाल्मीकि है और रामचरित मानस है, तो आपको क्यों पढ़े हम? देखिए ये प्रश्न मेरे साथ ही नहीं है। अगर तुलसीदास से पूछा जाता कि वाल्मीकि है आपने क्यों लिखा, क्या जवाब देते तुलसी? उस समय तक अध्यात्म रामायण थी। अब कंब से पूछा जाता कि तुलसी और वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण के होने के बाद भी आपने क्यों लिखा, तो उसका मूल कारण ये है कि हमारे, हम जिस समाज में पलते हैं, जिसके संस्कार हमारे साथ हैं, हमारा अपना मन और व्यक्तित्व है, जिसमें उसी चरित्र को समझने के लिए और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, और उसको सुलझाने के लिए, जो मैं सीधी सी बात कहता हूँ एक वाक्य में, कि मैं अपने मन में उठे हुए प्रश्नों का उत्तर देते देते उपन्यास लिख जाता हूँ, मैं उसका उत्तर खोजता हूँ, और उस उत्तर में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो उत्तर मैं दे रहा हूँ तो मुझे ही लिखना होगा ना, वाल्मीकि तो नहीं आएंगे लिखने। इसलिए वाल्मीकि का युग अलग था, मेरा युग अलग है। मैं अपने पात्रों की वेवलेंथ पर ही वो चीज़ दूंगा, तभी वो उपन्यास बनेगा। वो पुराण था, इतिहास है, अध्यात्म है, सब कुछ है, लेकिन युग अलग है, इसलिए वेवलेंथ अलग है। मैं उसकी बहुत मौलिकता का दावा नहीं करता, मैं मानता हूँ कि मैं अपने पाठक की वेवलेंथ पर लिख रहा था, उसके सामने उसको वो चीज़ स्वीकार्य थी, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। वाल्मीकि की तो खैर भाषा ही अलग है, वो भाषा लोगों को आती नहीं। अब तो तुलसी की भाषा के साथ भी वो समस्या शुरू हो गई है कि अवधि के बाहर के जो पाठक हैं उनकी समझ में नहीं आता, और तुलसी की बहुत सारी मान्यताएं हैं
जो मध्यकालीन मान्यताएं होने के कारण आज लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तो मैंने लोगों को खुश करने के लिए नहीं लिखा है, मतलब कहीं इसका अर्थ ये ना लिया जाए कि मैं समझता था कि पाठक इससे खुश होगा, पाठक इससे पढ़ेगा, इसलिए मैं लिखूंगा। मैंने केवल अपने तर्क का अनुसरण किया है। जो चीज़ मेरा तर्क नहीं मानता उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर लेखक जिसको कहते हैं क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिलती हैं जो पहले नहीं थी। हमारे पुराणों में, सारी पौराणिक कृतियों में संकेत है, उसकी व्याख्या नहीं है। और आज का लेखक अगर उसको खोल करके रखता है तो हमारे पाठक को वो चीज़ समझ में आती है, पाठक उसको पसंद करता है, तो कोई आपत्ति किसी तरफ से नहीं होती है, कोई असुविधा नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। आपने जो कहा उससे क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल लूं कि आपने आगे आने वाले 50 साल के पाठकों की रुचि को पहले ही भांप लिया था, और आपने बहुत, चूंकि आपने अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए मैं छूट लेते हुए, बहुत स्मार्ट तरीके से आपने अपने लेखन को उस दिशा में मोड़ दिया कि आप मिथकों पे लिखेंगे तो आप पाठकों के बीच बहुत ज़्यादा स्वीकार्य और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। देखिए, ये अनंत विजय पहले आदमी नहीं है जो ये कह रहे हो कि आपने पाठकों में लोकप्रिय होने के लिए ये लिखा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपको लगा किताब बिक रही है इसलिए इसको भी लिखो, इसके बाद महासमर भी लिखो, वो भी बिकेगी, पैसा आएगा। लेकिन कोई पुस्तक लेखक के अपने मन से ना उपजी हो तो कुछ भी उसको मिल जाए उसको आत्मसंतोष नहीं मिलता। और सबसे बड़ी उपलब्धि लेखक की अपनी तृप्ति है। अगर वो उसे तृप्त होता है तो उसका पाठक भी तृप्त होगा। आप क्या पढ़ते हैं? वही पढ़ते हैं जिससे आपको कुछ मिलता है। कोई चीज़ आप नहीं पढ़ना चाहते, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि आपको लगता है कि कूड़ा है, मैं क्यों पढ़ूं? इसलिए उस समय जब मैं लिख रहा था, आपको ये भेद की बात बताऊं कि नागार्जुन उन दिनों मेरे घर आया करते थे बहुत अधिक। उन्होंने जब मुझे लिखते देखा तो मुझसे कहा कि नरेंद्र, 200 पृष्ठ से ज़्यादा पढ़ने वाला पाठक नहीं है हिंदी में, इसलिए अगर उससे बड़ी किताब लिखोगे कोई नहीं पढ़ेगा, और 250 पृष्ठ से ज़्यादा छापने वाला कोई प्रकाशक नहीं है, इसलिए वो मत लिखना, किताबें 150 पृष्ठ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो मुझसे इतने पुराने सीनियर और वरिष्ठ उपन्यासकार थे कि मुझे लगा कि उनके अनुभव का लाभ तो उठाना चाहिए। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया और पहली पुस्तक 250 से ऊपर गई, दूसरी उससे ऊपर, तीसरी उसकी दुगनी हो गई, तो मैंने अपने प्रकाशक से कहा कि यार ये तो 400-400 की कुल मिलाकर के 1800 पृष्ठ की पुस्तक बन रही है, क्या करूं? उसने कहा, यार पाठक पढ़ रहा है, प्रकाशक छाप रहा है, तुझे क्या तकलीफ है, तू लिखना जो तेरे मन में है। तो मैंने उस दिन से ये सोचना छोड़ दिया कि कौन क्या कहेगा। जो आपके मन में है, जो, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, साहित्य के लोग देते हैं कि जैसे सृजन प्रक्रिया होती है, संतान का जन्म होता है, उसी तरह से सृजन प्रक्रिया होती है। माँ के गर्भ में एक बार संतान आ जाए, उसके बाद माँ के हाथ में कुछ नहीं रहता। वो चाहे कि उसकी आंखों का रंग बदल दे, उसकी नाक सीधी कर ले, उसका बाल कुछ और कर दे, ऐसा नहीं होता। जो आकार उसने ग्रहण कर लिया वो कर लिया, उसको जन्म नहीं देगी तो मर जाएगी। उसी तरह से लेखक के साथ है कि उस रचना ने जो आकार ग्रहण कर लिया, जो उसके मन में आ गया, वो यदि उसको नहीं लिखेगा तो वो मर जाएगा, इसलिए मुझे वो लिखना ही लिखना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको लिखे हुए इतने वर्ष हो गए, अब इसमें ये सुधार कर लो, ये जोड़ लो, इसको कर लो, अब लोग ये कहेंगे, पर मेरा एक ही उत्तर है कि लिखी हुई पुस्तक को दोबारा नहीं लिखूंगा। मेरे पास नया लिखने के लिए बहुत कुछ है, मैं नया ही लिखूंगा। तो क्या इसी नए की तलाश में आप रामायण के बाद महाभारत और महाभारत के बाद गीता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? मैं तलाश शब्द का विरोध करता हूँ तलाश नहीं किया मैंने, लेकिन ये हुआ कि
एक घटना घटी कि मेरे एक परिचित मंत्री बन गए, विदेश मंत्री, अब नाम नहीं लूँगा, वैसे भी आप बिना नाम के समझ जाएंगे। तो मैं कॉलेज में अपने स्कूटर स्टैंड पर स्कूटर खड़ा कर रहा था, तो मेरे एक कलीग ने कहा कि कहाँ जा रहा है राजदूत बन के। मैंने कहा राजदूत बन के कहाँ जा रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोला जब विदेश मंत्री तेरा परिचित है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो मेरा दिमाग, भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है, प्रकृति ने ऐसा बनाया कि तुरंत वो पुराणों तक जाता है। तो उसकी इस बात से मेरे दिमाग में आया कि सुदामा को जब कृष्ण ने सार्वजनिक रूप से अपना मित्र स्वीकार कर लिया तो सुदामा का कद कितना ऊंचा हो गया जनता में, उसके सोने के महल बन गए। सचमुच बने या नहीं बने, पर लोगों के मन में ये हुआ कि अगर कोई काम कराना है तो सुदामा से कहो, सुदामा कृष्ण से कह के इसको करवा सकता है, तो इसके इसको जो देना हो दे दो। तो मुझे लगा बिल्कुल वही बात मेरे साथ वो करने जा, मेरा कुछ नहीं बदला, मैं उसी कॉलेज से रिटायरमेंट लेकर के, नौकरी छोड़ करके, स्वैच्छिक अवकाश लेकर के अलग हुआ, पर विदेश मंत्री का कोई लाभ मुझे हुआ हो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सुदामा की कथा मेरे मन में जाग गई और मैंने अभ्युदय लिखा। उस अभ्युदय को लिखने के लिए, क्षमा कीजिएगा, अभिज्ञान, अभिज्ञान फिर से पहचानना, सुदामा को फिर से पहचाना गया। जब मैंने अभिज्ञान लिखा तो उस संदर्भ में मुझको गीता पढ़नी पड़ी, और गीता, भगवद गीता, और भगवद गीता को पढ़ने के ही संदर्भ में मैंने महाभारत को पढ़ा। और जब महाभारत को पढ़ा तो मुझे लगा कि महाभारत में जो कुछ है उसने मेरे भीतर जो आकार ग्रहण किया, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो अन्याय होगा, मुझे वो लिखना चाहिए। बहुत लंबा था, मुझे मालूम था कि मेरा परिवार है, मेरी नौकरी है, और इतना समय नहीं होता कि वो 4000 पृष्ठ का उपन्यास मैं लिख पाऊँ। लेकिन मेरे भीतर इतनी कुल बुलाहट थी कि ये जो महाभारत के प्रश्न हैं इनको सुलझाना, ये जो महाभारत के चरित्र हैं इनको समझाना, इनके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना, और कृष्ण की गीता को सही रूप में लोगों के सामने, उस कर्म सिद्धांत को जिसको मैंने 32 साल पढ़ाया कॉलेज में, और हर वर्ष मैं अपने नए बच्चों से, फर्स्ट ईयर में जो आते थे उनसे पूछता था कि बताओ कर्म का फल मिलता है क्या? एक बच्चा ऐसा नहीं निकला जिसने कहा कि हाँ मिलता है। सबने कहा जी पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। तो मैं उनसे यही पूछता था कि कृष्ण झूठ बोलते हैं क्या? अब ये किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि कह दे कि कृष्ण झूठ बोलते हैं, इसलिए उसका भी कोई उत्तर नहीं। सर मैं एक मिनट रोकूंगा, क्या आपको आपको कर्म का फल मिला? क्यों नहीं मिला? क्या मिला? अब मैं इसको ये कहता हूं कि जो कर्म आप, जो फल आप चाहते हैं वही आपको मिले, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कृष्ण की गीता में जो ये है कि आपको कर्म के चुनाव का अधिकार तो है, पर उसके फल, उसका फल मिलेगा प्रकृति के नियमों के अनुसार। यानी एक गेंद है मेरे पास, उसको मैं दीवार पर मारता हूँ तो वो लौट करके आती है, ये कर्म है। ये मेरे विद्यार्थी कहते थे ये होता नहीं है, ये तो धार्मिक बात है, ये विज्ञान का योग है। मैं उनको कहता था कि न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये मानोगे? बोले ये तो विज्ञान है। तो अगर कर्म क्रिया है, फल उसकी प्रतिक्रिया है, वो एक्शन है, वो रिएक्शन है, तो वैज्ञानिक हुआ या नहीं हुआ? मैं गेंद की बात कर रहा हूँ कि गेंद मारता हूँ जितनी जोर से, सर आप एक मिनट पूरा कर लूँ, उतनी जोर से दीवार उसको वापस मारती है। लेकिन उसी गेंद को मैं अगर रेत के ढेर में मारता हूँ तो वहाँ से गेंद वापस नहीं आती है, और उसी को अगर मैं कीचड़ में मारता हूँ तो गेंद तो नहीं आती है लेकिन कीचड़ के छींटे आते हैं। तो कर्म तो एक ही है, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार उसका फल मिलेगा।
मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा, मुझे चुनना है। लोग कहते हैं कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसने तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो आपको चुनना है कि जिस आदमी से आप व्यवहार कर रहे हैं वो पक्की दीवार है, या वो रेत का ढेर है, या वो कीचड़ है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। आप पूछिए। आपने बहुत विद्वतापूर्ण तरीके से मेरे सवाल को टाल दिया। नहीं नहीं, अब आप पूछिए ना। मैंने आपसे यही पूछा था कि आपको आपके कर्मों का फल मिला या नहीं मिला। आपने जो इतना विपुल लेखन किया है उसका आपके मन मुताबिक, आपने कह दिया कि मन मुताबिक तो फल मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हम ये समझें कि आपको भी आपके विपुल लेखन का फल नहीं मिला? यस। आदमी की जो आकांक्षा है वो अनंत है, जैसे आप अनंत विजय हैं, अनंत है। उसका लोभ इतना विपुल है कि वो और मांगता है और मांगता है और मांगता है, उसको संतोष नहीं होता। इसलिए यदि मैं कहूँ कि जितनी पुस्तकें मेरी बिकी 50 वर्षों में और जितनी बिक रही हैं, जितना जितनी उसकी रॉयल्टी मुझे मिलती है, जितना यश मुझे मिला है, जितने पाठक मुझे मिले हैं, आज यहीं पर इतने पाठक आ करके मिलते हैं, वो आखिर उसी कर्म का फल तो है। पर उसमें दैव एक अंग है, ये भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म जो करोगे वो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसका फल होगा, पर उसमें दैव एक बीच में एक तत्व है। उस दैव के कारण जो तुलसी ने कहा कि यश अपयश विधि हाथ, मैं उससे ज़्यादा चाहूँगा पर अगर विधि ने नहीं दिया तो नहीं दिया। इसलिए ये कहना सत्य है कि कर्म का फल मिला, पर ये कहना भी उतना ही सत्य है कि जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिला। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने दीवार, रेत और कीचड़ में सही चुनाव किया हो। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपने महाभारत पर जब आप लिख रहे थे और द्रौपदी चीर हरण का प्रसंग आपने लिखा था, तो उसमें आपने कर्ण को बहुत क्रूर तरीके से पेश किया है, जबकि आमतौर पर भारतीय लेखन में कर्ण को एक बड़ा ही, मतलब क्या कहें, थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, पर वो दलितों का प्रतीक या वंचितों का प्रतीक के तौर पर कर्ण के चरित्र को पेश किया गया है। आपने इस स्थापित मान्यता के ठीक उलट जाके कर्ण को बहुत ही क्रूर तरीके से पेश किया है, कैसे, क्यों? मेरा कर्ण महाभारत का वास्तविक कर्ण है। महाभारत में जो चांडाल चौकड़ी है दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण की, वो उसका दुष्ट पात्र है। द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए किसने कहा? कर्ण ने। कौन व्यक्ति था जो चाहता था कि वो राज परिवार में रहे, राजकुमारों के बराबर रहे, धृतराष्ट्र उसको अपना पुत्र मान ले? उसमें ऐसी कौन सी बात थी? जितने युद्ध महाभारत में हुए उन सब में सबसे पहले वो भागा। लोगों को ये मालूम नहीं है, लोगों ने महाभारत को नहीं पढ़ा है, लोगों ने इधर उधर की सुनी सुनाई बातें, चाहे बम्बैया फिल्म के रूप में महाभारत देखी हो, चाहे पारसी थिएट्रिकल कंपनियों के महावीर कर्ण और महादानी कर्ण वगैरह वगैरह वो सब पढ़ी हैं। मूल महाभारत का जो कर्ण है, और ये जो दलित और जातिवाद है उस महाभारत में तो है ही नहीं, ये तो आज का है। चाहे इसको शिवाजी सावंत ने उठाया हो, चाहे इसको हमारे दिनकर जी ने उठाया हो, चाहे दूसरे लोगों ने उठाया हो, ये तो आज की मानसिकता को उस पर आरोपित करना है। वो तो राज परिवार में पला, राजकुमारों के साथ पला, राजमहल में रहा, उसको कौन सी कमी थी सिवाय इसके कि वो धृतराष्ट्र का पुत्र कहला नहीं सका, क्योंकि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र उससे कहीं ज़्यादा प्यारे थे। पर जितनी दुष्टताएं पांडव वन में गए हैं उनको वहाँ चढ़ाने के लिए जाना है, उनको दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, देखो हम कितने ऐश से रह रहे हैं, किसने ये सुझाव दिया? कर्ण ने। अब महाभारत, मूल महाभारत पढ़िए और देखिए क्या कर्ण सचमुच उसमें कोई ऐसी अच्छाई है। अब ये कहा जाए कि जिस समय कर्ण ने द्रौपदी को जो कुछ कहा है उसको सुनिए, उसको पढ़िए। कर्ण ने जो शल्य को युद्ध के क्षेत्र में मद्र देश की स्त्रियों के विषय में जो कुछ कहा है उसको पढ़िए। इतना नीच कोई आदमी हो सकता है जो स्त्रियों को इतना अपमानित करे?
उसके मन में स्त्रियों के विषय में जो विचार है वो इन दो घटनाओं से बहुत स्पष्ट हो जाते सर, हैं मुझे कि वो क्या सोचता है। मुझे लगता है कि आप मैं जितना समझ पाया हूँ कि आपने दो बातें अभी कही कि आप जब रामचरितमानस को लिख रहे थे तो उसको उस पुरानी परिस्थितियों में न देके आपने एक नए संदर्भों में आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जब आप कर्ण पे आते हैं तो कहते हैं कि वो तो बहुत नीच था उस वक्त, उसको भी अगर आधुनिक समय में लाकर जैसे दिनकर ने और शिवाजी सावंत का नाम आपने लिया, उन्होंने व्याख्यायित करने की कोशिश की, उनको आप खारिज करते हैं और अपने अपने तर्कों को स्थापित करते हैं, तो ये आपका आपके लेखन का विरोधाभास नहीं लगता? नहीं, रामायण के पात्रों को मैंने नहीं बदला है, महाभारत के पात्रों को मैंने नहीं बदला है, जो मूल ग्रंथों में है मैं उन्हें उनके निकट से निकट जा करके उनको ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, ना किया हो तो बताइए। एक और सवाल मेरे मन में है कि मैं अक्सर आपसे बातचीत में कहता हूँ कि महाभारत भारतीय लेखन का सबसे बड़ा क्राइम थ्रिलर है, उसमें हजारों पात्र हैं, मतलब हर कथा में एक उपकथा, उपकथा में एक सहायक कथा, और इस तरह से इतने प्रसंग हैं, आप कैसे उसको संभाल पाते हैं? मतलब अपने लेखन में उस विशाल ग्रंथ को और विशाल कथा को सरलीकृत कैसे कर पाते हैं? इसके लिए क्या कोई आसमानी ताकत, कोई दैवीय ताकत क्या है आपके अंदर, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे अंदर तो वो है जो भगवान ने मुझे दिया, अब वो आसमानी ताकत है ये जमीनी ताकत है ये पाताल से आई है ये मुझे मालूम नहीं। उसमें एक काम मैंने किया है, मैं भी जानता हूँ कि उसमें बहुत घुंडियाँ हैं, बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी उलझने हैं, इसलिए हिंदुओं के घरों में जो उसको धर्म ग्रंथ मानते हैं वो भी उसको पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत उलझाव हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। असल में महाभारत जो है वो ग्रंथों का समूह है, जैसे आपका देश प्रदेशों का एक संघ है वैसे वो है। उसमें विदुर नीति अलग पुस्तक है, भगवद गीता अलग पुस्तक है, नल दमयंती अलग पुस्तक है, सावित्री सत्यवान अलग पुस्तक है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैंने उसको पांडव कथा के रूप में लिया है, बाकी सबको निकाल दिया। उसमें नल दमयंती नहीं है, उसमें सावित्री सत्यवान नहीं है, उसमें इस तरह की उपकथाएँ नहीं हैं, तो एक छोटा हो गया। अब बाकी ये है कि जो पांडव कथा के जो पात्र हैं उनको लेना क्या इतना, उन सबको संभालना क्या इतना अपौरुषेय है कि आपको आश्चर्य हो? मुझे वो अपौरुषेय नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको लिखा, और अगर कुछ पात्र छोड़ने पड़े तो छोड़ दिए, लेकिन महत्वपूर्ण पात्र सारे के सारे लिए और उनके मन में बैठ करके उन लोगों को एक तरह से उद्घाटित करने का प्रयत्न मैंने किया है। आपको आश्चर्य होता है तो मेरे लिए सुखद है, जो कोई मान रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरी दृष्टि से तो कोई इतना बड़ा काम वो नहीं। सर, मैं आपकी ये किताब शरणम जो अभी गीता पर आपने लिखी है जी, ये पढ़ रहा था तो इसके फ्लैप पे आपने लिखा है कि पढ़ाने वाला था मैं जिसे न स्वयं संस्कृत भाषा का ज्ञान है, न गीता के दर्शन का और न चिंतन का, फिर भी हम पढ़ते रहे। मैंने पहली बार अनुभव किया पढ़ने से कोई ग्रंथ उतना समझ में नहीं आता जितना कि पढ़ाने से आता है। तो आप एक और ये स्वीकार करते हैं कि शरणम में कि संस्कृत भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, आप उसके दर्शन को जानते नहीं, आप उसके चिंतन को समझते नहीं, तो क्या ये आपकी ह्यूमिलिटी है जो इस किताब में आपने स्वीकार किया है, या ये आपके एक मार्केटिंग का तरीका है कि देखो मैं ये तीन चीजें नहीं जानता बावजूद इसके मैं गीता पे लिख सकता हूँ और करोड़ों पाठक हमारे हो सकते हैं? देखिए, ये आलोचक का दृष्टिकोण है, ये लेखकों को ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं। मुझे संस्कृत नहीं आती, ये तथ्य है। मैं पैदा हुआ सियालकोट में जो अब पाकिस्तान में है, मेरे परिवार में उर्दू और अंग्रेज़ी थी, महिलाएं स्त्री पढ़ ये हिंदी पढ़ती थी, मैंने मेरी सारी स्कूलिंग उर्दू की है, हिंदी मैंने कॉलेज में जाकर के सीखी और संस्कृत तो मैं सीख ही नहीं पाया।
ये मेरी ह्यूमिलिटी कहिए या मेरी सत्यवादिता कहिए कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझको संस्कृत नहीं आती, एक श्लोक नहीं आता। मुझे कमला रत्नम जो संस्कृत की विदुषी थी, उन्होंने कहा धिक्कार है नरेंद्र कि तुम वाल्मीकि रामायण को भी अनुवाद के माध्यम से लिखते हो, तुम इसको महाभारत को भी अनुवाद के माध्यम से समझते हो। अब ये मेरी मजबूरी है, मुझे मालूम नहीं कि भगवान ने मुझे ऐसी जगह इस तरह से क्यों पैदा किया। शायद अगर मैं संस्कृत और पंडितों की उसमें परंपरा में पैदा हुआ होता तो मैं भी कोई पौराणिक किस्म की चीज़ लिखता जो कि आज के लेखक के लिए नहीं। एक जैसे नरसिंह अवतार हुए ना कि बीच में मैं उस तरह से उर्दू और हिंदी और संस्कृत के अंग्रेज़ी के बीच में पैदा हुआ और अपनी बुद्धि से उसको समझने की कोशिश की। अब ये इनका कहना कि आप कहते हैं कि गीता आपको समझ में नहीं आती, नहीं मैं नहीं कहता, आपने लिखा है। हाँ, मैंने लिखा है। मैं नहीं कहता, मैं तो मानता हूँ गीता आप समझते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नहीं समझता था। मैंने मैट्रिक में जब मैं उर्दू में पढ़ रहा था, गीता प्रेस की बस से, उनकी जो गाड़ी आती है उससे मैंने ईशावास्यो नौ उपनिषद खरीदे। उसको एक बार नहीं 20 बार पढ़ने की कोशिश की, उसका कुछ समझ में नहीं आता था मेरी, लेकिन मैं लगातार लगा रहा। मेरे भीतर एक चीज़ ये है कि अगर ये पुस्तक संसार में इतनी प्रसिद्ध है तो इसमें क्या है भाई बड़ा, उसको जानने की कोशिश करूं। तो उपनिषद की महानता कहाँ है इसको जानने की कोशिश करूं। और एक बार में नहीं समझ में आए तो 10 बार में मैंने वृद्धारण्यक उपन्यास पढ़ा। उस उपनिषद को पढ़ने के बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री संयोग से मेरे परिचित थे, मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा कि शास्त्री जी ये तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। बोले मैं ये मान के कह रहा था कि ये कुछ मुझे तंत्र मंत्र बता देंगे कि ऐसे समझो ऐसे समझो ऐसे समझो। उन्होंने कहा किसी बड़े आदमी से मिलने जाओगे पहली बार में ही वो अपना हृदय खोल के दिखा देगा तुमको। मैंने कहा नहीं। तो बोले कोई बड़ा ग्रंथ पहली बार में समझ में नहीं आता, उससे बार बार मिलो, बार बार पढ़ो, बार बार उसको खोजने की कोशिश करो, समझ में आएगा। तो जो कुछ मैंने किया है सही या गलत, संस्कृत के पंडित आज भी मुझे कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है। मैंने कहा नहीं होगा भाई, मेरी समझ में ये आया, मैंने लिखा। उनके आगे हाथ जोड़ देता हूँ कि संस्कृत का पंडिताऊपन मुझ में नहीं है, मैं क्या करूँ। जो कुछ भगवान ने मुझे दिया मैंने वो लिखा है, आपको पसंद आया। अभी इन्होंने शुरू बात की व्यंग्य से, मेरा व्यंग्य का पाठक जो है वो मुझे कहता है कि इतना अच्छा व्यंग्य लिखते हो, इतना व्यंग्य लिखा है, फिर कहाँ पुराणों में घुसे हुए हुए, यानी उसको मेरी ये बात पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ जो मेरे रामायण और महाभारत और ये सारे वसुदेव और शरणम इत्यादि उपन्यास पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं इतने अच्छे गंभीर ग्रंथ लिखते हो तो क्या कूड़ा को रेंद रहे हो वो लिख करके। मेरा उत्तर एक ही होता है कि भाई दोनों चीज़ें मैंने लिखी हैं, मुझे दोनों की प्रशंसा अच्छी लगती है। आपको जो पसंद आए वो पढ़िए, जो पसंद ना आए वो मत पढ़िए। ये मुझे बताने मत आइए कि मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, मैं लेखक हूँ। इन्होंने कहा कि सारी विधाओं में लिखा, कविता मैंने एक नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कवित्व नहीं है, इसलिए मैं उन कवियों के समान नहीं रहना चाहता। हिंदी के मेरी दृष्टि से 90% कवि कवि नहीं है, उनको कविता मालूम ही नहीं है, उनमें न लय है न छंद है न संगीत है न बिंब है कुछ नहीं। भ्रष्ट गद्य को कविता कहना मुझे पसंद नहीं। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं डॉक्टर कोहली। हाँ, बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ, छाती ठोक के दे रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ, मैंने अपने आप को पहचाना कि मेरे भीतर कवित्व नहीं है, इसलिए मुझे कविता नहीं लिखनी है। हालांकि हम लोग जब एमए में पढ़ते थे ना तो 5-6 लड़के मिल करके कोऑपरेटिव कविता लिखते थे। एक ने एक पंक्ति लिखी, दूसरे ने दूसरी पंक्ति लिखी,
और उसको पढ़ करके ये होता था कि मैंने अपने प्यार का कुर्ता तार पर डाल दिया है सूखने के लिए। दूसरा कहता था समाज के कौए ने कर दी उस पे बीट। सर वापस आपके लेखन की तरफ आए, आपने आपने मतलब आप में कवित्व तो नहीं है लेकिन कविता की बेहतर पहचान आप में है ऐसा दावा अभी आपने इस मंच से किया है। और आपने आलोचक की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आलोचकों ने आपको लेखक नहीं माना हिंदी के, वो आपको राम कथा मर्मज्ञ, महाभारत के लेखक, गीता के टीकाकार आदि आदि कहते रहे। क्या कभी मन के किसी कोने अंतरे में तकलीफ होती थी जब आप अकेले बैठते थे कि काश ये तथाकथित इन्वर्टेड कॉमा के जो मुख्य धारा के आलोचक हैं वो आपको लेखक मान लेते? इन्होंने ये प्रश्न एक बार पहले भी किया था कि मुख्य धारा। सर पहले मेरे वाले पे आइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि ये तकलीफ तो किसको नहीं होगी। अगर मेरे सामने बैठा व्यक्ति कहे कि आपको मैं लेखक नहीं मानता तो तकलीफ किसको नहीं होगी, मुझे भी हुई। लेकिन अब धीरे धीरे प्रौढ़ होते होते भगवान ने बुद्धि ऐसी बना दी कि मान लिया कि भाई साहित्य में अनेक पंथ हैं और एक पंथ दूसरे पंथ को नहीं मानता। अष्ट छाप के कवि बना दिए गए, उसके बाहर के कवि कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ भी जब मैंने होश संभाला तो नई कहानी का एक गुट था, तीन आदमी थे, उसके बाहर कोई कवि नहीं, कहानीकार ही नहीं था। तो इस तरह की स्थितियाँ होती रहीं। अब जब मैंने, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पौराणिक लेखन, महाकाव्यात्मक लेखन, महाकाव्यात्मक उपन्यास नहीं था। मैं मानता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर और थोड़ी थोड़े से चतुरसेन शास्त्री या इस तरह के लोग मुझसे पहले ये लिख रहे थे, लेकिन इन कथाओं को उपन्यास के रूप में, पूरे उपन्यास के रूप में लिखना किसी ने नहीं किया। आपको पता है कि विवेकानंद ने कहा कि द्वैत अद्वैत और विशिष्टाद्वैत एक ही चीज़ है। किसी ने कहा कि किसी आचार्य ने ये बात नहीं लिखी, तो उन्होंने कहा बिकॉज आई हैड टू से इट। उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि मुझे लिखना था इसलिए मुझसे पहले वो नहीं लिखा गया। बड़े बड़े लोग हुए हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मुझे एक खास तरह की चीज़ लिखनी थी, मेरे भीतर वो था, मैंने लिखा। जिन्हें ये आलोचक कह रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि 150 से 200 लोग मुझ पर PhD कर रहे हैं तो आपको विश्वास आएगा? कर रहे हैं, मेरे पास उनकी सूची। वो आलोचक नहीं है, वो पाठक नहीं है, लेकिन जिन्हें ये आलोचक कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि वो बड़े आलोचक कहला दिए गए। आलोचकों का भी एक गुट बना, माफिया जानते हैं आप, आलोचकों का भी माफिया है। उस माफिया में अगर मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता स्वीकार की होती तो आज मैं सबसे बड़ा उपन्यासकार उनकी दृष्टि में भी होता। सर संक्षेप में कुछ दर्शकों से सवाल जवाब भी लेंगे, कुछ बाहर से भी सवाल आए हुए हैं। जरूर, एक मिनट, बस एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। क्या लेखक के लिए वामपंथी या मार्क्सवादी होना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं, कोई पंथी होना आवश्यक नहीं, लेकिन उस पंथ के लोग आपका साथ देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी हर तरह से मदद करेंगे। पर पंथ होने से, मुझे भी कहा गया कई पंथियों ने, कई राजनीतिक दलों ने, बड़े बड़े प्रलोभन हैं आपको मालूम है, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो कुछ लिखना है इस दिमाग से और इस अंतरात्मा से लिखना है। अगर मैं दूसरे के दबाव में आके लिखता हूँ कि ये लिखने से मुझे ये पुरस्कार मिल जाएगा तो मैं बेईमानी कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, आपको पता है राजनेताओं को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं सत्ता के गलियारे में, मैं उन सबको जानता हूँ जो ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप अगर मेरे बारे में जानेंगे तो आपको पता होगा कि वो लोग मेरे पाठक भी रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद के लोग भी, लेकिन मैं उनसे मांगने कुछ नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी लेखक की
जिसको कहें गौरव के अनुकूल नहीं है, क्या जा संतन को कहा सीकरी सो काम जा। देखिए कवि क्या कहता है, अकबर के दरबार में अकबर के सामने खड़ा होके कहता है, जाकर मुख देखे दुख उपजत तिनको करत परी सलाम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके बराबर हो गया, लेकिन थोड़ा सा तत्व मेरे भीतर भी है, लेखक बनने के लिए इतना सा तत्व मेरे भीतर भी है। मैं आलोचकों की परवाह मैंने नहीं की, मैं जानता हूँ कि उनका बस चलता तो साहित्यिक रूप में तो उन्होंने मेरी हत्या कर ही दी, उनका बस नहीं चला मुझे रोक सके, लिखने से रोक सके, या उन्होंने मेरे पाठकों को रोक लिया, इन्होंने रोक दिया था मुझे बीच में ही। मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम कौन है, पाठक मेरे पास हैं, प्रकाशक मेरे पास हैं, किसके पास इतने पाठक और इतने प्रकाशक हैं, मेन स्ट्रीम वो कैसे हो गए, मैं कैसे नहीं हूँ। तो मैं मानता आया कि मेन स्ट्रीम मैं हूँ, उनको मेरा अनुसरण करना चाहिए, मुझे उनका अनुसरण नहीं करना है। और समय बताता है, आज से मैं 10 साल और होऊंगा, 20 साल 50 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा, वो लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने मेरी हत्या का प्रयत्न किया। देखना ये है कि जनता के बीच में कौन जीवित रहता है। डॉक्टर कोहली से बात करना और घंटों बात की जा सकती है, लेकिन समय की सीमा है। यहाँ पत्रिका गेम चेंजर सीरीज आस्क के क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के विनर हैं सचिन सिवहरे नोएडा से, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा है, दर्शकों के पास जाएं इसके पहले ये सवाल उनका सचिन का ले लेते हैं। किस तरह के टॉपिक्स सबसे ज्यादा पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और क्यों, संक्षेप में अगर बोलेंगे तो बाकी लोगों को। हाँ ठीक है, जनता के मन में है इसलिए उनको आकर्षित करते हैं, जनता के मन में ना हो तो क्यों आकर्षित करेंगे भाई, उनका तादाद में उससे होता है, राम सबके मन में बैठा है। मैं एक रूसी प्रोफेसर की बात याद करता हूँ, उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र के पास अपना ग्रंथ था, ओडिसी गुलगुमेश और इस तरह की बहुत सारे नाम उन्होंने लिए, सब मर गए, केवल इस देश में रामायण और महाभारत आज तक जीवित हैं, लोगों के घरों में लोगों के दिलों में वो हैं। तो जब उनको अपने मन की बात मिलती है तो वो उसको स्वीकार करें, तो उसमें नरेंद्र कोहली का क्या दोष है भाई। सवाल आप पूछिए। आप का सवाल, हाँ मैं उसके पहले हमने ये इस पुस्तक का विमोचन किया, इसके विषय में दो चार वाक्य, दो चार ज़्यादा नहीं, इसका नाम है प्रत्यावर्तन प्रतिआवर्तन वापस आना। अमेरिका से जिस समय विवेकानंद स्वामी विवेकानंद वापस आए पहली बार, उसका वर्णन इसमें है। ये तोड़ो करा तोड़ो नाम सीरीज से, जिसमें विवेकानंद जी के 6 खंड पहले आ चुके हैं, ये 7वां खंड है, तोड़ो करा तोड़ो के नाम से नहीं प्रत्यावर्तन के नाम से। इसमें एक वाक्य मैं आपसे कहूँगा, उन्होंने जिस समय भारत की धरती पर पैर रखा तो उन्होंने कहा कि 50 साल अपने सारे देवी देवताओं को एक तरफ कर दो, तुम्हारी एक देवी है, एक भगवान है, वह है भारत माता। ये देखिए 75 पार लेखक का उत्साह, नई किताब को लेकर कितने उत्साहित हो जाते हैं, ये ताकत है इनकी, जो अपने अपनी नई किताब को एक छोटे मासूम बच्चे की तरह लेके हुलस्ता हुआ मंच से बगैर संचालक के बताए वहां तक चले जाते हैं कि लो पाठकों तुम्हारी किताब आ गई है। तो ये जो उत्साह है ये नई पीढ़ी के लेखकों में थोड़ा कहीं कहीं कम नजर आता है। तो आपको नई किताब के लिए डॉक्टर कोहली बहुत बहुत बधाई। आपका सवाल मैम, आप सवाल पूछिए। हाँ भाई। सर मैं डॉक्टर मैम एक आग्रह सिर्फ ये है कि सिर्फ सवाल पूछें, अपनी राय न दें, क्योंकि टिप्पणियों में वक्त जाया होता है लोगों तो आप सवाल पूछेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी उस पर टिप्पणी लिख रहे हैं, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो या उपनिषद हो, और अगर आप उसकी मूल भाषा को नहीं जानते हैं उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर आपने आज जो बातचीत करी है, अगर कोई फ्रेंच आदमी होता या इंग्लिश
बोलने वाला आदमी होता और उसको हिंदी ना आती और वो ट्रांसलेशन पढ़ के आपके कुछ समझना अलग चीज होती है और उस चीज पे टिप्पणी करना, समझ गया आपका और सवाल। वो भी उसके बिना। और दूसरा सवाल मैम, एक एक सवाल लीजिए तो बाकी लोगों को भी समाहित कर लें हम। सर आपको संस्कृत आती नहीं है फिर भी आप उस पर टीका टिप्पणी किए जा रहे हैं। हाँ तो आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं लेकिन आप अनुवाद को दुनिया से खारिज कर देंगी क्या? मैम क्रॉस क्वेश्चन मत करिए प्लीज। ये अनुवाद मैंने जो समझा अनुवाद के माध्यम से समझा और जो मेरी समझ में आया वो मैंने लिख दिया। आपको बुरा लगा हो तो आपसे क्षमा प्रार्थना। वहां से उधर माइक दे दीजिए प्लीज। अदिति हैं। हाँ। नमस्कार। मैं ये तो जानती हूँ कि आप हिंदी के अध्यापक रहे हैं, आपकी पृष्ठभूमि में हिंदी रही है, लेकिन फिर भी आपने आजीवन हिंदी में ही लिखना पढ़ना अगर एक कॉन्शियस चॉइस थी तो क्यों थी? मेरे मन में शुरू से ये बात थी कि घर में हम पंजाबी बोलते हैं, स्कूल में हम उर्दू पढ़ते हैं, नौकरी के लिए हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं और पूजा पाठ के लिए हम संस्कृत में काम करते हैं। तो चार चार भाषाएं, चार तो मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूँ और लोगों के साथ और पीड़ाएँ हो सकती हैं। तो मेरे मन में था कि क्या हमारे पास कोई एक ऐसी भाषा नहीं हो सकती जिसमें हम घर में भी बात करें, नौकरी भी करें, पढ़ाएं भी, लिखाएं भी और अपना सारा काम पूजा पाठ भी उसमें करें। तो मुझे संस्कृत तो नहीं आई, मैंने हिंदी में काम किया। और इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। पिछले पुस्तक मेले में मैंने कहा सर आपके साथ एक सेल्फी खिंचवा लूँ, हमारे ज़माने के स्टार लेखक हैं, मैं इनके साथ गया और मैंने कहा एक सेल्फी खिंचवा लूँ आपके साथ, दूर हटो अंग्रेजी में बात कर रहे हो तुम। अच्छा लगा डॉक्टर कोहली ने अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि भाषा को लेकर आग्रह तो ठीक होता है लेकिन दुराग्रह तक नहीं पहुंचना चाहिए। सर आपका सवाल। नमस्कार। आपने कर्ण को दुर्दांत अपराधी घोषित किया है आपके ही शब्दों में, लेकिन उसी कर्ण ने अपने भाइयों को समर भूमि में प्राणदान भी दिया। क्या आपको कभी नहीं लगता कि आपने कर्ण के चरित्रांकन में कुछ गलत किया है? कभी आपकी आत्मा कचोटती है आपको? भीष्म ने ये कहा कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, प्राण दे दिए। कर्ण ने अगर अपनी माँ को ये वचन दिया कि चार को नहीं मारूंगा लेकिन पांचवें को मारूंगा, उसका सारा लक्ष्य अर्जुन को मारने के लिए था ताकि पांडव हार जाएं। ये आपकी समझ में नहीं आया कि चारों को छोड़ने का मतलब क्या था, कि वो तो लड़ ही नहीं सकते। धर्मराज को धर्म चाहिए था, राज्य नहीं चाहिए था। एक भीम था जिसको इसको लगता था मैं एक बाण में मार दूंगा। इस चतुराई को भी समझिए कि उसने जो माँ को वचन दिया तो माँ उसने उसको क्या क्या दिया था ये कहीं नहीं है। आप मेरे महासभा में पढ़िए, आपको कर्ण की इन सारी बातों का जवाब मिलेगा जो कुंती ने दिया। और मेरे मन कचोटने की जो बात है, मन कचोटता तो क्यों लिखता मैं? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि कभी लिख जाने के बाद अफसोस होता है क्या आपको? वो पीछे वो बैठी हैं उनसे। जी जी, आपने कहा कि पौराणिक पात्रों की मौलिकता आपने रखी है, तो क्या इसी कारण से अभ्युदय में आप राम को वापस अयोध्या नहीं लाए? क्योंकि उसके अयोध्या आने के बाद उन्होंने जो सीता जी के संग किया वो आपको स्वीकार्य नहीं था। देखिए, जो बात आपने कही वो बहुत हद तक सही है कि राम कथा मेरे हिसाब से रावण वध के बाद समाप्त हो जाती है। वाल्मीकि में भी जो कुछ है वो प्रक्षिप्त माना जाता है और तुलसीदास ने तो वो लिखा ही नहीं है, बाकी रामायणों का भी इसी तरह से कुछ है। तो अगर वो कथा जो मुझे कहना था अधर्म के नाश की कहानी वो वहाँ पूरी हो गई तो मैं पाठक को अंत तक ले जाने की कोशिश क्यों करूँगा? इसलिए मैंने नहीं लिखा। वो उपन्यास है, वो रामायण या रामचरितमानस नहीं है, उपन्यास के रूप में पढ़ी है उसको। आइए पहली पंक्ति से। ये भाई ये हाँ। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जी फर्स्ट रो। जी नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था महासमर में भीम और अर्जुन हर परिस्थिति में उग्र प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरह से होते हैं,
भीम का कुछ अलग तरीका होता है, अर्जुन का हमेशा कुछ और होता है, दोनों में क्या फर्क है और कौन सा अनुकरणीय है, वो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। महाभारत में ये बहुत मजे की चीज़ है कि अलग अलग खंडों में, अलग अलग दृश्यों में या अलग अलग कहिए कि अवस्थाओं में अलग अलग नायक हैं। जहाँ शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है युद्ध में, जहाँ द्रौपदी को एक फूल चाहिए जिसके पीछे 20 लोग मारे जाएंगे, वहाँ पर भीम नायक होता है। और जहाँ अर्जुन में कला है, अर्जुन में स्किल है, जो आपके प्रधानमंत्री आजकल बहुत चाह रहे हैं, वो स्किल अर्जुन में है। महाभारतकार ने, व्यास ने ये लिखा कि द्रौपदी युधिष्ठिर की दासी थी, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनके भीतर जितना धर्म था वो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, महाभारत में वो बहुत है। और भीम द्रौपदी का दास था, द्रौपदी के मुंह से निकलना चाहिए और भीम वो कर देगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अर्जुन उसका सखा था, अर्जुन ही उसको जीत के लाया था, अर्जुन ही उसका सखा था, दोनों की बातें बहुत मेल खाती थी, दोनों में कला वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें थी। और नकुल सहदेव के प्रति तो एक तरह का ममत्व था उसके मन में, छोटे बच्चों के समान। तो सबके चरित्र अलग अलग हैं, अपने अपने काम, सबके रोल अलग अलग हैं। कहीं अर्जुन को ही ढूंढा जाता है युद्ध में कि वही मारेगा, और कहीं भीम को ही ढूंढा जाता है। उन दोनों का जो शारीरिक बल का अंतर और स्किल का जो अंतर था वो बहुत स्पष्ट है उसमें। सर, मुझे लगता है कि इन्होंने ये भी आपसे जानना चाहा कि रोल मॉडल कौन होना चाहिए, भीम या अर्जुन। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वो रोल मॉडल होता है। एक इधर दे दीजिए माइक। आखिरी सवाल होगा मेरे ख्याल से, ये वक्त नहीं है अब, इसलिए सवाल थोड़ा छोटा रखें। हमारी ओर से नहीं, ये आयोजकों की ओर से समय। हेलो। माता सीता का क्या कसूर था कि धोबी के कहने से उसको दंड दिया गया? हाँ, वाह, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। स्त्री विमर्श भी आ रहा है आपके लेखन। स्त्री विमर्श भी। मेरा कहना ये है जो मैंने पहले कहा कि राम ने सीता को छोड़ा, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? आपने राम को देखा सीता को छोड़ते हुए? एक लेखक ने उसके विषय में लिखा, तो आपको ये कहना चाहिए कि उत्तर रामचरितम के राम ने ऐसा किया, वाल्मीकि के राम ने वो नहीं किया, तुलसी के राम ने वो नहीं किया। तो वो राम ने किया या उन लेखकों ने अपने मन से वो समाधान दिया, आपको ये अंतर कर लेना चाहिए, तब राम को गालियां देनी चाहिए, उसके पहले लेखक दोषी है। सर, आप राम को मिथक मानते हैं यथार्थ? राम का इतिहास तो मैं मानता हूं कि यथार्थ है। अब इतने काल के बाद, इतने लेखकों के लिखने के बाद उसको मिथक में परिवर्तित कर दिया गया। धन्यवाद डॉक्टर कोहली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना समय दिया, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच नरेंद्र एंड अनंत, थैंक यू वेरी